दोस्तों, अभी अभी रमन मैग्सेसे अवार्ड 2022 दिया गया। किन व्यक्तियों को एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र के विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रदान किया गया है? इस बार किन किन को यह विशेष पुरस्कार दिया गया है, इसकी संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के अंदर लेकर आए हैं। इसके साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट अवार्ड्स तथा उनके प्राप्तकर्ता भी बताने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। रमन मैग्सेसे अवार्ड 2022 किनको किनको दिया गया और इसके विशेष चर्चा करते हैं इस पर। दोस्तों, सबसे पहले ये जानिए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत की बात करें दोस्तों, 1957 ईस्वी से रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत हुआ है। पहली बार 1957 ईस्वी में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। रमन मैग्सेसे पुरस्कार ये जो दिया जाता है दोस्तों, मनीला के अंदर से दिया जाता है। मनीला की बात करें दोस्तों, ये फिलीपींस देश की राजधानी है। और एक्स्ट्रा बात करते हैं दोस्तों, रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, मनीला से। मनीला दोस्तों फिलीपींस देश की राजधानी है। और हम लोग बात करते हैं दोस्तों, रमन मैग्सेसे पुरस्कार के प्राप्तकर्ता पहले भारतीय जिनको कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया दोस्तों, तो याद रखिएगा विनोबा भावे दोस्तों भारत के पहले व्यक्ति हैं जिनको कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। विनोबा भावे की बात करें दोस्तों, इन्हीं के द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों? विनोबा भावे के द्वारा। और इसी विनोबा भावे को भारत की ओर से पहले भारतीय हैं जिनको कि नोबेल ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किनको दिया गया पहले भारतीय? विनोबा भावे दोस्तों। ध्यान रखिएगा, रमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1957 में हुआ है दोस्तों। दोस्तों, आप लोगों से पूछा जाए कि फिलीपींस देश की जो राजधानी है मनीला, ये किस आइलैंड पे है, इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, लुजान आइलैंड पर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फिलीपींस देश की राजधानी मनीला जो है दोस्तों, किस आइलैंड के अंदर है, किस आइलैंड पर है? तो ध्यान रखिएगा, लुजान आइलैंड पर है। हम लोग बात करें दोस्तों, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 में जो दिया गया, ये क्रम का कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, 64th नंबर का है। 2022 के अंदर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो दिया गया कितने नंबर का है? 64 नंबर का। फिलीपींस की राजधानी मनीला किस आइलैंड के अंदर है, किस द्वीप पर है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, लुजान द्वीप पर है। दोस्तों याद रखिएगा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 जो दिया गया, चार लोगों को दिया गया है। तो याद रखिएगा, सोधियारा छिम, दूसरा है तदासी हतोरी, तीसरा है दोस्तों बर्नाडेड मैड्रिड, तीसरा दोस्तों है बर्नाडेड मैड्रिड, चौथा है दोस्तों गेरी बेन चेदी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गेरी बेन चेदी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तदासी हतोरी ये महिला में है। ध्यान रखिएगा, ये फीमेल में है। तदासी हतोरी जो है दोस्तों, ये फीमेल में है। हम लोग दोस्त बात करते हैं, सोधियारा छिम ये दोस्तों कंबोडिया के मनोचिकित्सक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कंबोडिया के मनोचिकित्सक सोधियारा छिम को 2022 के अंदर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया दोस्तों। बात करें तदासी हतोरी ये जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ है, इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। तदासी हतोरी ये फीमेल में है दोस्तों, और ये जापान की नेत्र रोग विशेषज्ञ है दोस्तों। बर्नाडेड मैड्रिड ये फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ है। ध्यान रखिएगा, बर्नाडेड मैड्रिड फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ। और चौथे नंबर पे है दोस्तों गेरी बेन चेदी, इंडोनेशिया पर्यावरण कार्यकर्ता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गेरी बेन चेदी इंडोनेशिया पर्यावरण कार्यकर्ता है दोस्तों। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन पर। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 में किस एक को नहीं दिया गया? 2022 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे नहीं दिया गया? देखिए दोस्तों,
तदासी हतोरी को दिया गया है, बर्नाडेड मेड्रिड को भी दिया गया है, गेरी बेंचेदी को दिया गया है, दिया किसको नहीं गया है दोस्तों, फिरदौसी कादरी को नहीं दिया गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिरदौसी कादरी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 किस एक को नहीं दिया गया दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा फिरदौसी कादरी। वैसे हम पीछे आप लोगों को बता चुके कि किनको किनको दिया गया और किस क्षेत्र में दिया गया दोस्तों। दोस्तों एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला के अंदर है दोस्तों। एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मनीला में दोस्तों। एशियाई विकास बैंक का स्थापना ध्यान रखिएगा दोस्तों 1966 ईस्वी में हुआ है दोस्तों। एशियाई विकास बैंक का स्थापना 1966 में, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मनीला के अंदर। अगर इसके उपाध्यक्ष की बात करें दोस्तों, उपाध्यक्ष एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष दोस्तों ध्यान रखिएगा अशोक लवासा, जो भारत के हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा अशोक लवासा, अशोक लवासा एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष हैं। तो ये क्वेश्चन था दोस्तों, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा मनीला के अंदर है दोस्तों। स्थापना 1966 में होता है दोस्तों। उपाध्यक्ष वर्तमान समय में अशोक लवासा, जो भारत के रहने वाले हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया, ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है गीतांजलि श्री को, गीतांजलि श्री इनको दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। कौन सी पुस्तक है इसको, ध्यान रखिएगा रेत की समाधि, किस पुस्तक के लिए दिया गया है, रेत की समाधि, ध्यान रखिएगा दोस्तों रेत की समाधि के लिए गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा दोस्तों, दोस्तों ध्यान रखिएगा गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया पुस्तक रेत की समाधि, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट जो किया गया टॉम्ब ऑफ सेंड के द्वारा, और ये टॉम्ब ऑफ सेंड की इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा डेजी रोकवेल ने, इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। रेत की समाधि का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है, टॉम्ब ऑफ सेंड, किसके द्वारा किया गया है, डेजी रोकवेल के द्वारा, और इसी के लिए, इसी पुस्तक के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। किनको दिया गया अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दोस्तों, गीतांजलि श्री को, किस पुस्तक के लिए, रेत की समाधि के लिए, इसका ट्रांसलेट जो इंग्लिश में किया गया है दोस्तों टॉम्ब ऑफ सेंड के लिए, किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, डेजी रोकवेल के लिए। और आगे कुछ एक्स्ट्रा है देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों फिलीपींस के नए राष्ट्रपति कौन, इनका भी नाम जान लीजिए दोस्तों, मार्कोस जूनियर, ध्यान रखिएगा दोस्तों मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति हैं दोस्तों, मार्कोस जूनियर, ध्यान रखिएगा दोस्तों मार्कोस जूनियर जो है फिलीपींस के नए राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन रमन मैग्सेसे अवार्ड जो 2022 के अंदर दिया गया वो, और उसके साथ साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट हम आप लोगों को बताने का प्रयास किए। हमें उम्मीद है दोस्तों कि ये क्लास आप लोगों के लिए बेहतर साबित होगा, ज़रूर कुछ ना कुछ नया देखने के लिए मिला होगा। आप अभी तक हमारे चैनल पे दोस्तों नए हैं तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, आप अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिए ताकि इस तरह की नई जानकारी सबसे पहले हम आपको पहुँचा सकें। तो अभी के लिए यहाँ तक ही रहने देंगे दोस्तों, अगली क्लास में इस तरह की जानकारी लेके फिर से अगले दिन उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।